नाकाबंदियां हैं वो हमेशा से हुकूमतें करती थी, जो हुकूमत होती थी सूबे में वो हलकाबंदी करती थी। तो 2013 में जब हमने कानून बनाया तो उस कानून के तहत भी हलकाबंदी हुकूमत ने करनी थी, हुकूमत ने की, लेकिन उसको चैलेंज किया गया अदालत में। और हमारी जो मौजूद अदालतें हैं जिनको पीपल्स पार्टी से बहुत प्यार और मोहब्बत है, उन्होंने जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती थी, हमारी जमातें जो मुखालफत में थी उनकी हुकूमतें होती थी, तो वो अपने हलके बनाती थी, कभी किसी के पेट में दर्द नहीं उठा के ये हुकूमतें क्यों जो है वो हल्के बनाती हैं। पीपल्स पार्टी ने तारीख में पहली मरतबा हलका बंदी की उसकी हुकूमत ने, और अदालतों ने उसको उड़ा दिया और ये कहा कि नहीं, ये काम हुकूमतों का नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। तो 2013 में हमारी बनाई हुई हलका बंदियाँ अदालतों ने उड़ा दी, और उसके बाद जो 2015 के इंतखाबात हुए बलदियाती, वो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए हलकों पर हुए। अब अगर इनकी ये दलील हम मान लें हाफिज़ साहब की कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही हलकाबंदी करती है, इलेक्शन कमीशन का तो कोई काम नहीं, तो भाई 15 में भी हमने की थी, फिर 15 में भी हम जीतते, फिर 15 में भी हमारा मेयर होता, लेकिन उस वक्त तो हम नहीं जीत सके, हमारी नशस्तें कम थी, एमक्यूएम की ज़्यादा थी, पर एमक्यूएम का मेयर बन गया, और जो डीएमसीज भी थी उसमें भी हमने साउथ जीत ली, हमने मलिर जीत ली, हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जीत ली, वेस्ट में हमने कोशिश की, लेकिन पीटीआई ने कस्में उठा के, हलफ उठा के, पता नहीं कौन कौन से वादे करके ऑपोजिशन की जमातों से वोट एमक्यूएम को दे दिया था। इस मरतबा भी जो हलका बंदी हुई है वो हलका बंदी इलेक्शन कमीशन ने की है, पीपल्स पार्टी ने नहीं की, सिंध हुकूमत ने नहीं की। हाँ, कानून में एक चीज़ मौजूद है और वो भी सिर्फ सूबा सिंध में नहीं है, पूरे मुल्क में है, कि पूरे सूबे में ये काउंसिल्स कितनी होंगी, कितनी मेट्रोपॉलिटन होंगी, कितनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगी, कितनी टाउन कमेटीज़ होंगी, कितनी यूनियन कमेटीज़ होंगी, कितनी यूनियन काउंसिल्स होंगी, इसका फैसला हुकूमत करेगी, और वो हमने किया, कानून के मुताबिक किया। हम तादाद बताते हैं इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इतनी यूनियन कमेटीज़ होनी चाहिए, इतने टाउन होने चाहिए, इतने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होने चाहिए, फिर उसके उसको मद्देनज़र रख के इलेक्शन कमीशन हलका बंदी करता है, और वो हलका बंदी उन्होंने की। तो ये इस तरह बिला वजह गलत बयानी करना जो है वो मुनासिब नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर मेयर के इंतखाब में उनको अक्सरियत मिलती है जिसका इम्कान नहीं है तो वो बने मेयर, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर उनको अक्सरियत नहीं मिलती, किसी और को मिलती है, पीपल्स पार्टी को मिलती है, तो ज़रा खुले दिल के साथ उसको भी तस्लीम करें। अब वो जो प्रॉब्लम है ना, जो इमरान खान के साथ है वही हाफिज़ नईम के साथ है, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। वो मानने को तैयार नहीं था इमरान न्याजी कि कभी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझसे हाथ निकालेगी, कभी वो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि उसकी हुकूमत होगी और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी, कभी वो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो वज़ीर आज़म के अहदे से हट जाएगा। अब अगर वो हट गया तो फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे से आपको आया, और ये कल आपने देखा क्लिप चल रहा है, एक लम्हे के लिए लाइट गई तो माशाल्लाह क्या फ्रस्ट्रेशन में उसने क्या गाली दी है निकलते हुए उसको, ठीक है। और वही फ्रस्ट्रेशन हाफिज़ नईम रहमान को है, वो यकीन करने को तैयार नहीं है कि कराची में मेयर कोई हाफिज़ नईम रहमान साहब के नाम के अलावा भी कोई हो सकता है। वो समझता है कि कराची का मेयर की जो कुर्सी है उस पर हाफिज़ नईम रहमान नाम का आदमी बैठ सकता है, कोई और आदमी बैठ ही सकता है। जब उसको ये महसूस हुआ कि शायद ये अब थोड़ा सा डावाडोल है काम, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, जिसका इज़हार वो करते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, देखें इलेक्शंस हैं, इलेक्शन कोई जीतता है कोई हारता है, और इस इलेक्शन में भी पूरे सूबे सिंध से जितने लोग मुंतखब हुए हैं वो उस मुल्क के ही शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, और कराची से जो लोग मुंतखब हुए हैं वो कराची के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर हाफिज़ नईम रहमान मेयर बन जाए तो फिर कब्ज़ा नहीं है शहर पे, लेकिन अगर हाफिज़ नईम रहमान के अलावा पीपल्स पार्टी का कोई मेयर कराची पे आ जाए तो वो कराची पे कब्ज़ा कर लेंगे। मैं तो कल से देख रहा हूँ ऐसे ऐसे लोग अल्ताफ़ हुसैन साहब के पेट में दर्द उठाए, अब मतलब खुदा का खौफ करें, वो कह रहे हैं कि पता नहीं वो जमहूरियत की और इसकी उसकी और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जो तबाही जो बर्बादी
इस सूबे में, इस मुल्क में, ख़ास तौर पर शहर में उन्होंने मचाई थी, जो रिवायतें उन्होंने बनाई थी, अल्लाह ताला ने इस मुल्क की, इस शहर की, सूबे की उसे जान छुड़ाई है। अब वो बैठ के भी हुकूक और उसूलों के आलमबरदार बन रहे हैं। बहरहाल खैर, उनका मौक़िफ़ है, वो देते रहें और जमात इस्लामी की हिमायत में बोल रहे हैं, बड़ी बात है। मैं वो कह रहा हूँ, ये एक नया अल्ताफ़ हुसैन बनना चाह रहा है हाफिज़ नईमुर रहमान, तो उनको भी शायद अल्ताफ़ हुसैन को भी नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर कोई दमखम है, लिहाजा मैं तो नहीं आ सकता हूँ, तो इसी को ज़रा ताकत बख्श दो कोई, शायद यही वो काम कर रहे जो अल्ताफ़ हुसैन कर रहा था। मेरी अर्ज़ ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लोग कराची शहर से मुंतखब हुए हैं, वो इसी शहर के रहने वाले हैं। ये जो मुनाफरत फैलाई जा रही है शहर में जमात इस्लामी की तरफ से, इसको ना फैलाएं। आप ये कहें, आपको पीटीआई ने सपोर्ट कर दिया है ना, आप कोशिश करें वो सारे के सारे वोट आपको पड़ जाएं, आप मेयर कराची बन जाएं, हम खुले दिल से तस्लीम करेंगे उसको, खुले दिल से तस्लीम करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर कब्जा हो गया और कोई किस तरह आ गए, बस ठीक है, हम मान लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना दिल भी खुला करें। अगर आप मेयर नहीं बन सके और कोई और मेयर बन जाता है, तो अगर आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, आप हम पे तनकीद करें, हम पे इल्ज़ाम लगाएं, जो करना करें, लेकिन मेरी गुजारिश है कि कराची शहर में नफ़रत की सियासत को ना फैलाएं, मुनाफरत की सियासत को ना फैलाएं, तकसीम की सियासत को ना फैलाएं। हम तो अब भी ये चाहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ हम बैठें और बैठ कर इस शहर के लिए जो बेहतर हो उसको हम आगे बढ़ाएँ, उसको हम आगे ले जाने की कोशिश करें। एक और इमरान खान साहब का जो किस्सा कल से चल रहा है कि वो जो मिन्नतें समाजतें एक कांग्रेस वुमेन को कर रहे हैं अमेरिका की, यार वैसे मतलब बेशर्मी ढटाई की भी कोई हद होती है। वो आदमी जो उससे कुछ महीने पहले एब्सोल्युटली नोट का जो है वो नारा लगाता था, ये चूरन बेच रहा था, पूरी अपनी वो जो इनके पीछे एक कल्ट है उसको उन्होंने पागल किया हुआ था, और वो सारे लगे हुए एब्सोल्युटली नोट एब्सोल्युटली करके नारा बना दिया, फिर हम कोई गुलाम है, वो तो गाना बना दिया उन्होंने, उस गाने पे इन्होंने अपने पूरे कारकुनों को नचा दिया, हम कोई गुलाम तो नहीं, सबने सुना होगा। अब कल आप देखें कि वो क्या कह रहा है उस खातून को, उसको मिन्नत तरले कर रहा है कि खुदा के वास्ते एक बयान दे दो आप मेरे लिए, और उस बयान की हमारे लिए बड़ी अहमियत है, और हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है, और बस पता नहीं हमारे साथ इस मुल्क में क्या क्या कुछ हो गया है। पहले तो मैं गुजारिश करूंगा पीटीआई के उन तमाम लोगों से, अहदेदारों से, कारकुनों से, जो इस पागल और जहनी मजरीस के पीछे चल रहे हैं, कि वो देखें वो किस तरह ना सिर्फ इस कौम को धोखा देता है, इस कौम से झूठ बोलता है, बल्कि अपने लोगों से भी झूठ बोलता है और उनको भी धोखा देता है। इमरान खान ने, ये बात तो मैं कब से कह रहा हूँ कि इस मुल्क के लिए वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये बात भी कहता हूँ कि वो इस मुल्क के हर इदारे को नुकसान पहुँचाना चाहता है, लेकिन उसने बाकायदा हमला करवाया है, मनसूबाबंदी के तहत हमला करवाया है, GHQ पर हमला करवाया है, कोर कमांडर के घर पर हमला करवाया है, ISI के फैसलाबाद में जो दफ्तर है उसके ऊपर हमला करवाया है, उसने पेशावर में